नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि 14 से लेके 20 तारीख तक की आपकी नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन कैसे रहने वाला है। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जमिनाई देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो। द एम्परर, टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहले ये बंदा जो है ये अपने अंदाज में था, अपने तेवर में था, माई वे इज द हाई वे, इस तरीके का सोच के साथ ये बंदा चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि इनके सोच में बदलाव आ गए। इनको लग रहा है कि ये आपके पास इनको आना चाहिए, आपके साथ बात करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जल्दी से आपके तरफ आ जाए, आपके साथ इंटीमेट हो आ जाए, आपके साथ बात किया जाए, अचानक से आके आपको सरप्राइज कर दे, आपको अपना प्यार का एहसास ये दिखा दे। पहले ये सोच रहा था मैं जो कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, जैसा हूँ मैं सही हूँ, अगर इनको रिश्ते में रहना है तो मेरे तरीके से रहना है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उनमें ये परिवर्तन आ गया और ये बेचैन हो गए हैं आपसे मिलने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। इनको अचानक से ये लगने लगा है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, अपने जो परेशानी है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, इनके लिए जो प्यार फील कर रही हूँ उसे बताना चाहिए, उसे उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये अगर ये बंदा आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एरिस के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है या ये जानते हैं कि आप जानते हो कि इनको थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये बात अगर आप समझते हो तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। ये तो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ईगो की वजह से, हो सकता है इनको थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है या फिर आपको ईगो का प्रॉब्लम है। जिसका भी ईगो का प्रॉब्लम है, खास करके मुझे तो इनके तरफ से दिखाई दे रहा है, तो ये रात को सो नहीं पा रहे हैं,
अपना नींद खराब कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहा है। हालांकि इतने सोचने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आता है बात शुरू कर देता है तभी तो परेशानी खत्म हो जाता है। लेकिन ये नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनको ईगो का प्रॉब्लम है और ये बात आप जानते हो। तो अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आप भी तो थोड़ा इनिशिएटिव ले सकते हो। ये थोड़ा आपसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज का उम्मीद कर रहे हैं। देखो ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हो तो आप खुद को रोक के क्यों रखा है आपने? इनमें ईगो है, आप में तो नहीं है। अगर आप जानते हो कि ये खुद से आगे चल के बात नहीं करता है तो आप कर लो। ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप आगे आके बातों को छेड़ो, शुरू करो। आप भी उनके जैसे ईगो ना दिखाओ। एक का तो ईगो है ही है, लेकिन अगर दूसरा भी ईगो दिखाता है तो ये रिश्ता तो सही होने में बहुत वक्त लग जाएगा ईगो की वजह से। ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप आगे आए और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। हम देखेंगे कि ये खुद क्या एक्शन लेंगे। जमिनाई, आप किसी जमिनाई के साथ, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। एट ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले ही कहा कि ये चाहते हैं 24/7 आपको ही याद कर रहा है, रिश्ते को ही याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, लेकिन ईगो की वजह से बंदा जा नहीं पा रहा है। हर्मिट, ये रिश्ता स्टक सा हो गया है। ये सोच तो बहुत कुछ रहा है लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस ये एक्शन लेगा। ये 24/7 इस रिश्ते को ये सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है, कोई एरीज सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है। ये बंदा इस रिश्ते की जो स्टकनेस है, ये रिश्ता जो थम सा गया है, रुक सा गया है, ये रिश्ता जो नहीं चल रहा है, इन चीज़ों को ये समझ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बंदा इस रिश्ते को उस नज़र से देख रहा है कि इस रिश्ते में ज़रूर कोई बात है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोगों का जो रिश्ता है, ये रिश्ता ये चाहकर भी बंदा भूल नहीं पा रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। तो ये इस रिश्ते में आ रहे हैं रिश्ते को शुरू करने के लिए। स्टेबल ऑफर आपको देने जा रहा है। आपके साथ ये कंप्लीट फैमिली देखना चाहते हैं। जितना भी मेहनत ये कर रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है, जो भी इनकी पूंजी है, ये परिवार के साथ खर्च करना चाहते हैं। एकदम ओल्ड एज तक आपके साथ रहना चाहते हैं, सबके साथ मिलके खुश रहना चाहते हैं। ये मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कमाया है। इनके पास सब कुछ है, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, और जो नहीं है वो भी मिलके आपके साथ एक होके इसको कमाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कभी भी अपने दिमाग से अलग नहीं पा रहे हैं। 24/7 इस रिश्ते में ये खुद को पा रहे हैं, लेकिन ये स्टक है, रुक गया है रिश्ता। सोचने की समझने की वजह से ये सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी हैं। हो सकता है ये बंदा पहले सैक्रिफाइस नहीं करता था, लेकिन अभी ये सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी हैं। उनको ये पता है कि कोई भी रिश्ता चलाने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी सी सैक्रिफाइस, दोनों चीज़ ज़रूरी है, वरना कोई भी रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। ये तो पता ही लग गया है, पहले ही पता लग गया है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये रेस्टलेस हो गए हैं, अचानक से आपको आके सरप्राइज दे देगा। सिक्स ऑफ कप्स, ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहा है। ये आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जेमिनाई,
कॉम्प्रोमाइज जो मैंने अभी कहा, एंजल भी आपसे यही कह रहा है कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करके अगर ये रिश्ता सही होता है, बैलेंस होता है, थोड़ी सी खुद को बैलेंस करके, अपनी सोच को बैलेंस करके, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करके, तो जरूर करें रिश्ते को सही करने के लिए, अपने प्यार को सही करने के लिए, अपने रिश्ते को सही करने के लिए अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि हर रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी ना किसी क्षेत्र में। सो अगर रिश्ते सही करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर सकते हो, आपका रिश्ता सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।